सबसे ठीक चार पांच मिनट बाद चेयरमैन इमरान खान साहब आपसे मुखातिब होंगे। मैं इंसान तनजीम का खुशी के साथ मैं करता हूँ लोगों को जिले के सदर खालिद बराज साहब और दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप मुल्तान में मुल्तान के साथ ही इमरान खान साहब का खिताब आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने कल अपने खिताब से ऐलान किया था कि आज पूरे पाकिस्तान में हर शहर पे गवर्नमेंट शुक्र मनाया जाएगा और आज उस सिलसिले में हम सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह के फजल करम से इमरान खान की जद्दोजहद अपने मनसूबी अंजाम को पहुंचने के करीब है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीखी फैसला सुनाया है वो एक हमारी सियासी तारीख में एक सुनहरा बात है। आप जानते हैं कि किस कदर मुश्किलात थी, रुकावटें थी, दबाव था, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा चीफ जस्टिस उमर अता बत्याल साहब को, जिन्होंने आईन को पामाल नहीं होने दिया, बहाल किया और दबाव को टुकड़ा दिया, चट्टान की तरह मजबूत रहे और डट गए। एक तरफ उनके पास जस्टिस मुनीर का रास्ता था और दूसरी तरफ जस्टिस कॉर्नीलियस का असूली मौकिफ था। उन्होंने जस्टिस कॉर्नीलियस के असूली मौकिफ को अपनाया और पाकिस्तान में फैसले से नजरिया जरूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इंशाअल्लाह उनके फैसले के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी शुरू कर दिया है और 14 मई को इंशाअल्लाह पंजाब में इंतखाबात होने चले हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब होने चले हैं और उसके बाद हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि सिंध, बलोचिस्तान और मरकजी जो नेशनल असेंबली है उसके इंतखाबात जल्द अज जल्द मुनक्किद हो सके ताकि मुल्क इस बेहतरीन का साहब से बाहर निकल सके या काम है वो खत्म हो, इस्तेहकाम हो, ताकि हम मईशत की बहाली की तरफ तवज्जो दे सके। आज सारे पाकिस्तान के हर शहर में लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अफरात जर ने वो हद नहीं छुई जो आज छू रहा है। आज आप देख रहे हैं कि आटे की लाइनों में खवातीन धक्के खा रही हैं, बहुत सी अमवात हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद जो टेक्सटाइल की सनत का मरकज था, आज वहां बकौल एप्टमा के वो टेक्सटाइल की सनत का कब्रिस्तान बन गया है। सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और मुल्क का नौजवान पढ़ा लिखा तबका इस गो मगो की हालत में है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा और बहुत से पढ़े लिखे स्किल्ड पाकिस्तानी मुल्क से हिजरत कर रहे हैं और बाहर रोजगार की तलाश में वो तगोदो कर रहे हैं। इन 10-11 माह में 8.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं और बहुत से इस तलाश में हैं कि उनको मौका मिले तो वो भी चले जाएं। आप देख रहे हैं कि कल भी और आज भी डॉलर मजीद गिरा है,
रुपया मजीद गिरा है और डॉलर मजीद चढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? मजीद महंगाई। ये आप देख रहे हैं कि जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, जो हमारी यूटिलिटी बिल हैं उनमें जो इजाफा हुआ, उससे आम शहरी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ है। इन हालात में हम सब की जिम्मेदारी है, जितने यहाँ तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन ख्वातीन हजरात, नौजवान यूथ के, आईएसएफ के नौजवान मौजूद हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि आप अपने अपने हलकों में, अपने अपने यूनियन काउंसिल्स में, महल्लों में फैल जाएं। इमरान खान का पैगाम, उनका नुक्ता नजर लेकर आप गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया फैल जाएं और कोशिश करें कि इमरान खान को एक तारीखी मैंडेट मिले। इमरान खान का खिताब शुरू होने वाला है तो मैं इस शुक्रिया के साथ जितने ख्वातीन वज़ीर तशरीफ लाए हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, जमहूरियत को, आईन को, हक और सच को फतह इनायत फरमाए। आमीन आमीन। जाने वाले।